सबसे पहले फ्रेंड्स, अब अगर आपने केमिस्ट्री तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं की तो आपसे स्टार्ट कर दीजिए और इस सत्यम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको केमिस्ट्री की पूरी क्लासेस कराई जाएंगी और इंग्लिश की भी पूरी क्लासेस कराई जाएंगी। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको तीन चीजें पढ़नी है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देख लेते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपको चैप्टर 1 पढ़ना है वो पढ़ना है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड स्टेट। चैप्टर 2 पढ़ना है आपको फ्रेंड्स विलयन, जिसे कहते हैं इंग्लिश में सॉल्यूशन। जो चैप्टर 3 आपको दे रखा है वो है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 4 दे रखा है आपका रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी इसे इंग्लिश में कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर 5 दे रखा है आपका पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन जिसे इंग्लिश में कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री ये सभी चीजें आपको पढ़नी है। चैप्टर 6 दे रखा है आपको तत्वों के निष्कर्षण। तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत एवं प्रक्रम, एवं प्रक्रम। फ्रेंड्स ये सभी चैप्टर्स आपको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ने हैं, ठीक, भौतिक रसायन में पढ़ने हैं। अगली बार आप फ्रेंड इस बार आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। अगली बार ये ठोस अवस्था था आपका, विलयन था, वैद्युत रसायन था, रासायनिक गुणवत्ती भी था, पृष्ठ रसायन, लेकिन इसको हटा दिया था। लेकिन इस बार आपको 6 चैप्टर्स इसमें पढ़ने हैं। सेकंड दिया आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में आपको जो चैप्टर 7 दे रखा है, चैप्टर 7 से आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट है। तो उसमें आपको पढ़ना है सबसे पहले पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, इसे इंग्लिश में फ्रेंड्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। चैप्टर 8 दे रखे आपका डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, इसे इंग्लिश में भी यही कहेंगे डी एंड एफ ब्लॉक के, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। चैप्टर 9 दे रखे आपका उपसह संयोजन यौगिक, उपसह संयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसे इंग्लिश में कहते हैं यौगिक। इसकी इंग्लिश होगी फ्रेंड्स यौगिक, अच्छा से लिख देते हैं यौगिक। फ्रेंड्स मेरी मार्कर से राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, आप लोग हैंडल कर लीजिएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये आपको फ्रेंड्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके बाद आपकी स्टार्ट जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चैप्टर 10 से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो उसमें आपको पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे फर्स्ट लेसन हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन 11 पढ़ने हैं वो चैप्टर। फ्रेंड्स चैप्टर 11 है आपका एल्कोहल फिनाल एवं ईथर। एल्कोहल फिनाल एवं ईथर फ्रेंड्स रिएक्शंस आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही आते हैं। चैप्टर 12 आपको दे रखे हैं फ्रेंड्स एल्कोहल फिनाल एवं ईथर एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड कीटोन था कार्बोक्सिलिक अम्ल फ्रेंड्स इसे इंग्लिश में भी यही कहते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, एल्कोहल फिनाल एंड ईथर, फिर एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक फ्रेंड्स यहाँ पे कहते हैं हम
दिख रहा है आपको यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रेंड्स कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर 13 दे रखा है फ्रेंड्स आपका। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक नाइट्रोजनियस कम ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको कहते हैं फ्रेंड्स नाइट्रोजनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिख देते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, लिख लीजिए नाइट्रोजनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड। चैप्टर 4 दे रखे आपका, चैप्टर 14 जैव अणु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। चैप्टर 15 दे रखे आपका फ्रेंड्स, 16 चैप्टर वो पढ़ने हैं, 15 दे रखे आपका बहुलक, बहुलक जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमर्स, ये दे रखे फ्रेंड्स। 16 आपका दैनिक जीवन रसायन, दैनिक जीवन में रसायन, इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये सभी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, ये सभी सब आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको हम सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री, सबसे पहले आपको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि जो आपके रिएक्शंस आते हैं वो आते हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, फिर जो आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपके फिजिकल केमिस्ट्री से आते हैं। इसलिए सबसे पहले हम कार्बन रसायन स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद अकार्बनिक रसायन। तो ये आज लेसन के नेम थे।